अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हाज़िर हूँ आपके साथ एक नए डिज़ाइन के साथ, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत है। इसके लिए मैंने सिल्की थ्रेड यूज़ किए हैं और 4 थ्रेड्स एट अ टाइम यूज़ करूँगी मैं, और मैं 1.0 mm की हुक यूज़ करूँगी। आज जो डिज़ाइन बनाऊंगी मैं, ये बहुत ही आसानी से बनता है और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको बना सकते हैं। इसके लिए किसी भी बेस रो की ज़रूरत नहीं होती, और आप इसको अपने बाजुओं पे, दामन पे और गले पे और जहाँ भी आप बनाना चाहें आप इसको आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया हुआ, ताकि हम नेक्स्ट टाइम नए डिज़ाइन के साथ आपके साथ मिल सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। 4 सिल्की थ्रेड ले लेंगे हम। आप कॉटन थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे। जिस भी थ्रेड के साथ ये डिज़ाइन बनाएंगे बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्लिप नॉट के साथ। आप अपने फैब्रिक के साथ इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे के साथ। सिंगल क्रोशे बनाएंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड को हम साथ साथ बीच में पीछे वाली साइड से इसको इसके साथ अटैच करते जाएंगे बीच में, ताकि आपकी गिरा ना खुल सके। सिंगल क्रोशे के बाद बनाएंगे 1 चेन। 1 चेन के साथ ही हम लेंगे डबल क्रोशे लेंगे, जो कि सूटेबल डिस्टेंस पे आप बनाएंगे डबल क्रोशे, जो कि जिससे ना ही ज़्यादा खिंचाव हो और ना ही ज़्यादा ढीला हो जाए। 3 चेन को इसी स्पेस में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। थ्री सिंगल क्रोशे बनाएंगे हम यहाँ पे। थ्री सिंगल क्रोशे, साथ ही हम डबल क्रोशे बनाएंगे नई जगह पे, सेम स्पेस के साथ बनाएंगे आप। सेम स्पेस के साथ डबल क्रोशे, 3 चेन, सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे, नेक्स्ट 3 चेन, 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, फिर से डबल क्रोशे सेम स्पेस के साथ, 3 चेन, 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे। बैक वाले जो एक्स्ट्रा थ्रेड हैं वो हम काट देंगे।
और इसी तरह हम इस डिज़ाइन को बनाते जाएंगे। इसके लिए हम बेस रो भी बना सकते हैं, बेस रो के ऊपर फिर हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। एक दफ़ा फिर से आपको बना के दिखाऊंगी। सिल्की थ्रेड के साथ बहुत नीट और बहुत ही खूबसूरत लगता है डबल क्रोशे। थ्री चेन, सिंगल क्रोशे, टू सिंगल क्रोशे एंड थ्री सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे, थ्री चेन, सिंगल क्रोशे, टू सिंगल क्रोशे एंड देन थ्री सिंगल क्रोशे। इसी तरह आप अपनी रिक्वायर्ड लेंथ पूरी करेंगे। सेम डिज़ाइन को सेम मेथड के साथ रिपीट करते हुए ये इसका फ्रंट साइड होगा और ये इसका बैक साइड होगा। हमेशा जो सिल्की थ्रेड है उसके साथ बहुत नीटनेस आती है और खूबसूरत भी लगता है। मैं आपको थोड़ा सा और भी बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है जो कि दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है। और सबसे अच्छी बात है ये बहुत ही आसान है और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सब लोग बना सकते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं उनके लिए भी बहुत आसान काम है। मैं आपको एक दफ़ा और बना के दिखा देती हूँ। डबल क्रोशे, सेम डिस्टेंस पे लेंगे हम। डिस्टेंस आपने सेम ही रखना है जिससे ना ज़्यादा खिंचाव आए और ना ही ज़्यादा ढीला बने। थ्री चेन, सिंगल क्रोशे, टू सिंगल क्रोशे, थ्री सिंगल क्रोशे, उम्मीद है आपको डिज़ाइन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, कोशिश करने से ज़रूर बनेगा और हर किसी से बनता है। यह बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान डिज़ाइन है। शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।